अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पति पत्नी की झगड़े की विवाद को सुलझाना पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि एक साइको पति ने अपने पत्नी की पिटाई कर दी और जब मामला थाने में पहुंचा तो पुलिस वालों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए सन की पति ने पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें थाना अध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। तो उसकी इसकी माँ बोली कि हम केस मुकदमा नहीं करना चाहते हैं, तो उसका उसको पति भी उसमें बैठ गया। मैडम गई निकालने के लिए, घर से निकालने के लिए गई मैडम, तो घर से निकाल दी थी लड़की को और गाड़ी पर बैठा के ला रही थी, उसके पति भी उस गाड़ी पर बैठ गया। बोले मैडम हम भी चलते हैं, बोले चलो मैडम, बोली चलो। तो यहाँ पर आया, हम डायरी लिख रहे थे बाहर, केस डायरी, तो हम बोले बैठ जाइए भाई, तो बैठ गया बेचारा, तो बैठ गया। तो हम लोग क्यों अपने पत्नी को मारते हैं, बस इतना पर तो उठ कर हमला करना शुरू कर दिया। कितने लोग घायल हुए, कितने जवान घायल है? 2-7 जवान घायल हुए। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ अभी निकलकर वहां से सामने आ रहा है, जिस तरीके से साइको पति जो कि सामने आ रहा निकलकर कि वो साइको पति है, उसने मामले को जब पुलिसकर्मियों ने सुलझाया तो उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया, इस पर क्या कुछ अभी सामने निकलकर आ रहा है, क्या उसकी गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? विशाल जी, ये मामला देर शाम की है और एक महिला है, वो महिला हाजीपुर की रहने वाली है, उसकी शादी मुजफ्फरपुर में हुई थी और दहेज मामले में एक शिकायत को लेकर के महिला पहुंची हुई थी महिला थाने पे। ठीक उसी वक्त जो है ये शख्स भी वहां पहुंचता है और पहुंचने के बाद जो है कहां सुनी होती है, क्योंकि महिला थाना अध्यक्ष का कहना है कि हमने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन वो इतना आक्रोशित हो गया और वो संजीव किस्म का था कि उन्होंने महिला थानाध्यक्ष पे भी हमला कर दिया, और जिसकी बीच बचाव करने के लिए 2 सैप के जवान थे, क्योंकि पुलिस मुख्यालय का बगल में ही ऑफिस है तो वहां से भी 2 जवान आते हैं बीच बचाव करने, तो उन पर भी हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और कार्रवाई करके फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो भी कार्रवाई है उसको की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर यह हमला जो है एक बड़ा मामला देखा जा रहा है। जी विशाल, लेकिन जिस तरीके से पुलिस पर हमला किया गया, चाकू से हमला किया गया है, अभी उनकी स्थिति कैसी, उनके फिलहाल अभी हालत कैसी है? अजी, जो घायल दोनों जवान हैं उनकी उंगली में जख्म ज्यादा है और महिला थाना देख पे उनकी भी उंगली को जख्म किया गया है, मतलब हथेली से बचाव करने की कोशिश की गई थी, तो बहुत गंभीर नहीं है लेकिन मामूली चोटें हैं और जख्म है, फिलहाल दोनों की स्थिति नाजुक है और इस मामले में पुलिस के जो वरीय अधिकारी है उस मामले में हस्तक्षेप करते हुए आगे जितनी विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई का आदेश दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका हमसे संपर्क करने के लिए, हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।